रिलीज के तीसरे दिन कमजोर रहा जीरो का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। आमिर की थग्स ऑफ हिंदुस्तान से भी बुरा हाल रहा जीरो का। जी हाँ, फिल्म जीरो को क्रिटिक्स से और से मिले जुले रिएक्शन मिले हैं। हालांकि शाहरुख की फिल्मों से जिस तरह की उम्मीदें होती है, जीरो इस पर खरी उतरी नहीं दिख रही है। फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो शुक्रवार को रिलीज हुई जीरो ने पहले दिन ठीक ठाक बिजनेस किया। ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श के मुताबिक जीरो कुल 4380 स्क्रीन पर रिलीज हुई। शुक्रवार को फिल्म ने कुल 20 करोड़ का और शनिवार को 18 करोड़ का बिजनेस किया। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि वीकेंड में फिल्म का कलेक्शन बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को भी जीरो का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ठंडा रहा और ये कुल 17 करोड़ ही जुटा पाई। इस तरह फिल्म ने तीसरे दिन में 55.5 करोड़ का कलेक्शन किया। बॉक्स ऑफिस पर जीरो की धीमी रफ्तार के बाद ऐसा लग रहा था कि शाहरुख की फिल्म का हाल भी हैरी मेट सेजल जैसा होगा। साल का आखिरी समय बॉलीवुड के लिए अच्छा नहीं रहा। इससे पहले नवंबर में आमिर खान की बिग बजट फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान का भी बुरा हाल हुआ। हालांकि जीरो की अपेक्षा में ये बेहतर रही। थग्स ऑफ हिंदुस्तान ने तीसरे दिन में 102 करोड़ जुटा लिए थे। जीरो में शाहरुख खान की एक्टिंग की तो तारीफें की जा रही है, लेकिन फिल्म की कहानी कमजोर बताई जा रही है। शाहरुख खान के करियर के लिहाज से जीरो बेहद जरूरी है। उनकी पिछली कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। वहीं जीरो के साथ कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार यश की फिल्म KGF रिलीज हुई। कन्नड़ भाषा की इस फिल्म का हिंदी वर्जन शाहरुख की जीरो को जबरदस्त टक्कर दे रही है। इस वीडियो में इतना ही। मैं योगिता शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली से।